उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4 जून 2024 के बाद कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा ब्रह्मांड कार्ड खेला है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। सिद्धार्थनगर के इटवा से विधायक माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के चबूतरे को गिराए जाने का मुद्दा उठाया है। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के हाथे और गोरखनाथ मठ की राजनीति के बीच का विवाद पुराना है। यह पूर्वांचल के ब्राह्मण बनाम ठाकुर राजनीति का बड़ा हिस्सा रहा है। अखिलेश यादव ने हरिशंकर तिवारी के बहाने ब्राह्मण राजनीति को हवा दी है। समाजवादी पार्टी को लगातार ब्राह्मणों को संदेश दे रही है जो सपा की पारंपरिक राजनीति से अलग है। हरिशंकर तिवारी के बेटे सपा नेता और पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है कि उन्होंने लिखा, अब आप इसे क्या कहेंगे, जिस व्यक्ति को मृत्योपरांत गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया हो, जो व्यक्ति कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री रहा हो, जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में सम्मान मिला हो, मुलायम सिंह यादव और मायावती की सरकारों में कैबिनेट मंत्री बनाकर सम्मानित किया गया हो, और जो ब्राह्मण अस्मिता का पर्याय रहे हो, उनके निधन के बाद निरंकुश शासन द्वारा लगातार अपमानित किया जा रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए।